बहुत अच्छा लगता है जब आपका फेस कोई बोले कि यार ऐसा लग रहा है एकदम फाइन डिफाइन जॉ लाइंस है, एकदम कॉन्टोर्ड है, जबकि आपने कुछ नहीं किया, जस्ट जेड रोलर का यूज किया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू जेड रोलर। इसको आपने कई बार देखा होगा और बहुत लोगों को पता भी है इसको यूज़ कैसे करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है या फिर जिन लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम जानेंगे कि जेड रोलर है क्या। सो जेड रोलर इज मेड अप ऑफ अ सेमी प्रेसियस स्टोन जिसका नाम है जेड। सो इस स्टोन की खासियत ये होती है कि इट स्टेज कूल इवन आफ्टर कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विथ योर स्किन। नाउ क्या होता है कि जैसे ही आप अपने स्किन से कॉन्टैक्ट करते हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम फ्लैट हो जाती हैं, गर्म हो जाती है, बट इसकी क्वालिटी ऐसी है कि ये ठंडा ही रहता है। सो ये जो कूलिंग इफेक्ट है, इससे आपकी जो स्किन है इसमें ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्शन आता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, एंड नॉट टू फॉरगेट ये आपकी जो पफिनेस है, अंडर आई बैग्स वगैरह, इसको भी कई हद तक रिड्यूस करता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्टफिनेस ऑफ योर साइनसेस। बहुत बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे जो साइनस है ना, उसमें काफी स्टफिनेस है। अगर आप इस रोलर का यूज करते हैं तो आपको कई हद तक आराम, आपकी साइनस से रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना, उससे आराम मिलता है। इसके लिए मैं 10-15 मिनट पहले ही अपने रेफ्रिजरेटर में जेड रोलर को रख देती हूँ यूज करने के पहले, एंड उसके बाद फिर मैं जेड रोलर का यूज करती हूँ। जेड रोलर मेरे स्किन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो भी मेरे पोर्स, ओपन पोर्स हैं, उनको भी क्लोज करता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कूलनेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से डीप पफ होता है, मेरी फेस काफी ज्यादा पफी हो जाती है सुबह सोके उठने के बाद। सो जेड रोलर एक चीज और अच्छे से करता है, वो है आपकी जो स्किन केयर होती है ना, वो मान लीजिए सिरम है, ऑयल है, मॉइस्चराइजर है, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है फेस या फिर नेक सर्फेस पे। इट्स ऑल्सो सेड दैट दिस प्रोसेस हेल्प्स टू डिलीवर द प्रोडक्ट डीपर इन टू योर स्किन, और आपकी जो स्किन सर्फेस है सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहती है, डीप इन साइड आपकी जो स्किन है वहां तक जाती है। So that is also one of the plus point. Now I'm going to talk about some myths and facts about this jade roller. First point पे आते हैं हम। बहुत लोग ये कहते हैं कि facial massage से आपका जो stress है वो reduce हो जाता है। It is proven that anxiety से ये कई हद तक relief देता है आपको, which is one of the key point. Next myth is using the roller can slim your face. It's false. So the only way to reduce fat या weight from any part of your body is to take healthy nutritious diet and also to work out, exercise regularly. These rollers can slim down your face, जैसे deep puff करने के लिए बहुत काम आता है, जब आपकी chubbiness लगती है आपके face पे, बहुत ज़्यादा ऐसे puffy लगता है face, उसको deep puff करता है जिसकी वजह से कई हद तक आपका face slimmer लगता है, लेकिन ये एकदम से facial जो jaw lines है वो define करने के लिए नहीं होते हैं। Using a roller can contour your face, which is true. जो roller आप use करते हैं ना, roller के help से आपका जो lymphatic drainage है वो activate होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आपका जो circulation है वो अच्छे से improve होता है, and कहीं ना कहीं आपके face contour में भी help करता है। Next myth is toxins can be removed using the jade roller, which is true. So any activity that activates your lymphatic drainage, such as facial massage वगैरह करने से आपका जो lymphatic drainage activate होता है ना, इससे आपके कई हद तक toxins flush off होते हैं। Now आपको ये use कैसे करना है? So I'll be taking facial oil. यहाँ पे जो मैं facial oil ले रही हूँ वो है rose hip oil. आप कोई भी facial oil ले सकते हैं. So this is how it looks like. यहाँ पे मैं palm में ले लूँगी इस तरह से. Just few drops. एंड अपने हाथों से इसको थोड़ा सा वॉर्म कर लूंगी मैं लाइक दिस, एंड देन अपने फेस और नेक पे अच्छे से थोड़ा सा अप्लाई करके थोड़ा हैंड से भी मसाज कर लेंगे हम लाइक दिस। सो दिस इज द जेड रोलर, और यहाँ पे आप देख रहे हो दो तरफ पे ऐसे यहाँ पे स्टोन्स दिए हुए हैं। नाउ ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। ये जो बड़ा वाला एंड है, पहले हम इसको अपने चीक वाला जो एरिया है उस पर ऐसे एंगल बना के और फिर अपवर्ड मोशन में इसको मसाज करेंगे लाइक दिस। This will help to stimulate the lymphatic drainage. So this is how we are going to do it. एक और चीज जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको इस तरह से नहीं मसाज करना, बैक एंड फोर्थ नहीं लेके आना है, आपको ऐसे लेके जाना है, फिर उठा के फिर नीचे लेके आना है, ऐसे उठा के जाना है फिर नीचे लेके आना है, ठीक है, लाइक दिस।
ऐसे बैक एंड फोर्थ नहीं करना है। पहली बात तो बैक एंड फोर्थ आपको इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप जेड रोलर जब भी यूज करेंगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी फेशियल ऑयल सीरम वगैरह लगाने के बाद ही जेड रोलर का यूज करें। ऐसे जो होता है क्या है कि अगर खाली जेड रोलर का यूज करेंगे तो रिंकल्स होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। का जो फोरहेड वाला पोर्शन है इसको हम दो तरीके से करेंगे। जो फ्रंट सेक्शन है इसको हम इस तरह अपवर्ड मोशन में करेंगे, लाइक दिस। नाउ अगर आप मेरे फोरहेड पे देख रहे हो कि ये रेडिश दिख रहा है एंड आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या कर लिया, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि रेड हो गया है, दैट मीन्स यस, आपका ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो गया। और यही तो हम चाहते थे, लिम्फैटिक ड्रेनेज जो है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है और एंजाइटी होती है, बहुत हद तक ये रिलीफ करता है। सो अगर रेडनेस होती है आपके फेस पे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इस एंड पे, ये जो स्मॉल एंड आप देख रहे हैं ना, दिस इज फॉर योर आईज। यहाँ पे हम रोल करेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से हमें रोल करना है। आईब्रोज वाला जो सेक्शन है इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली ही करेंगे, इस तरह से। इसी तरह से आप अपने फेशियल मसाज करें और नेक का जो पोर्शन है वहां पे आपको इस तरह डाउनवर्ड मोशन में लेके आना है, लाइक दिस। आपको ये जो पूरा स्टेप है बस कुछ मिनटों तक करना है, ऐसा नहीं कि पूरे घंटे भर एकदम रगड़े पड़े हैं। 5 से 7 मिनट एनफ है जस्ट टू एक्टिवेट योर लिम्फैटिक ड्रेनेज। और कई बार कॉन्टोरिंग में भी हेल्प करता है, बिकॉज क्या होता है कि आपकी जो लिम्फैटिक ड्रेनेज होती है उसकी वजह से आपकी पफिनेस फेस की वो कम हो जाती है, जो स्वेलिंग फेस पे रहती है ना वो कम हो जाती है, और आपका फेस कई हद तक ऐसे श्रिंक मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपका फेस कोई बोले कि यार ऐसा लग रहा है एकदम फाइन डिफाइंड जॉ लाइन्स है, एकदम कॉन्टोर्ड है, जबकि आपने कुछ नहीं किया, जस्ट जेड रोलर का यूज किया है। अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के 4-5 मिनट 2 मिनट कम से कम बस आप इस टूल को ऐसे अपने फेस पे रन कर लो, ताकि ये आपको डी स्ट्रेस कर दे और ये जो पफिनेस है आपके फेस का वो रिड्यूस कर दे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट हाउ कैन यू स्पॉट अ फेक जेड रोलर। नाउ ये जो जेड रोलर है ये सेमी प्रेसियस स्टोन से बना हुआ है। आप अगर जेड रोलर को किसी भी सरफेस पे ऐसे अगर इस तरह से करके देखेंगे ना, तो भी आपको पता चलेगा कि जैसे प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक में कैसे कट कट आवाज आती है, इसमें ये पूरा का पूरा स्टोन वाली फील है। और पता चलेगा कि एक स्टोन को ऐसे ऐसे टैप करने पे और प्लास्टिक को टैप करने पे कैसा फील होता है, वो आपको अलग से डिफरेंशिएट हो जाएगा। जेड स्टोन्स की खासियत ही यही होती है कि कूलनेस प्रोवाइड करता है। नाउ आप जब भी किसी भी जेड रोलर को पकड़ोगे ना, तो वो हमेशा ठंडा मिलेगा। अगर ये एक मतलब एक डिफरेंशिएट कर सकते हो नकली और असली, कौन सा रियल है कौन सा फेक है वो आपको पता चल जाएगा। नाउ जैसे ही आप किसी जेड रोलर को अपने स्किन से कॉन्टैक्ट में करते हो, एक सूदिंग कूलनेस आपको पता चलेगी, जो कि प्लास्टिक वगैरह सरफेस से नहीं पता चलती है। आराम से आपको जेड रोलर्स को देख के पता चल जाएगा। कई बार इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर टू मार्बल होता है। नाउ एक और चीज़, आप अपने जो फिंगर टिप्स है ना, उससे भी इसको ऐसे घस के देख सकते हो। अगर कोई निशान वगैरह नहीं है, दैट मीन्स इट इज एन ओरिजिनल जेड रोलर। इसको अगर आप पास से भी देखोगे ना, तो किसी तरह का कोई एयर बबल्स वगैरह नहीं दिखेगा या फिर कोई कटवर्क का निशान नहीं दिखेगा। इससे पता चलता है कि ये एक ऑथेंटिक ओरिजिनल जेड रोलर है। मार्केट में बहुत सारे फेशियल रोलर्स हैं और सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है। आपको बस चूज करना है और चूज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इट इज ओरिजिनल और फेक। मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे यूज कर सकते हैं इनको और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर जेड रोलर। सो हमने फेशियल ऑयल का यूज किया है फेशियल मसाज के लिए, दैट्स वाई यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑयल है। अगर आप सीरम वगैरह यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे सरफेस पे सीरम दिखेगा, जस्ट टू रिमूव दैट एक्सेस ऑफ ऑयल। सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ टिश्यू, यहाँ पे ये टिश्यू से हम जस्ट ऐसे इस तरह से रोल करके जो एक्सेस
ऑयल है ना उसको हम इस तरह से हटा लेते हैं पहले, सबसे पहले तो क्लीन करने का ये तरीका है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक लूफा और इसमें हम लिक्विड वॉश लेंगे। सो लूफा को मैं यहाँ पे हल्का सा गीला कर ले रही हूँ और इसमें हम फेस वॉश या फिर शावर जेल भी यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज शावर जेल ओवर हियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट रोल दिस जेट रोलर ओवर हियर। सो ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बैक्टीरिया अगर सरफेस पे है तो वो किल हो जाए एंड आर जेट रोलर विल बी क्लीन लाइक दिस। सो यहाँ पे जो पानी है वो आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है। जेट रोलर को कभी भी रिंस ऑफ आप गर्म पानी में नहीं करेंगे, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन टॉवल टाल लेंगे और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रख के इसको बस ड्राई करना है हमें और कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको ऐसे नॉर्मली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख के ड्राई कर लेना है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा ये वीडियो। ऑल्सो लेट मी नो कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। आई बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट इट फॉर यू गाइज। बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, और अगर आपने मुझे अभी इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो फॉलो मी देयर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।